भैया मेरे पास में एक कैमरा है निकॉन D850, मात्र 1.5 साल मैंने यूज़ किया है, पैसों की ज़रूरत है और आज मैं इसे बेच रहा हूँ मात्र 25,000 रुपये में, लेकिन आज ही आपको दे पाऊँगा इस कीमत में क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट पैसा चाहिए। आपको लेना है तो मुझे जल्दी बताइए, या फिर आप कब जब किसी शॉप में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया मेरे पास में एक सोनी A7 III मार्केट प्राइस है उसकी नए कैमरे की करीब 1.5 लाख रुपया, लेकिन आज की तारीख में आपको मैं दे रहा हूँ ये मात्र 32,000 रुपये के अंदर, अगर आपको लेना है तो बताइए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पीस है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारे जो स्कैम होते हैं सेकेंड हैंड कैमरा के अंदर, आज बात करेंगे हम उन स्कैम्स के बारे में, कैसे ये स्कैम्स होते हैं, चाहे आप सेकेंड हैंड कैमरा हो चाहे सेकेंड हैंड लेंसेज हो, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सेकेंड हैंड गियर्स खरीदने के लिए जाएं। तो आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड तक देखिए, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स लोगों ने कमेंट करके या मेल करके हमें बताया कि जब उन्होंने सेकेंड हैंड कैमरास को लिया या सेकेंड हैंड लेंसेज को ख़रीदा तो वहाँ पर कैमरा तो डिलीवर हुआ, लेंस तो डिलीवर हुआ, लेकिन उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि जिस प्राइस पे उन्होंने ख़रीदा उसको ठीक कराने में ही जो है उनको लगभग उतना पैसा लग गया जितने में शायद एक नया कैमरा या नया लेंस आ जाता। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो हमने कैमरा लिया था मॉडल तो बड़ा लेटेस्ट था, हाईली प्रोफेशनल कैमरा था, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर थी, वो एक्सपेक्टेशंस जो थी उन्हें उस कैमरा से वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, कहीं पर सेंसर का इशू था, कहीं ऑटो फोकसिंग का इशू था, कहीं पर जो है कई बार अंदर से उसमें आवाज़ आती थी शूट करते वक्त, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भैया अब बात करते हैं कि क्यों लोग जो है इस तरह के सेकेंड हैंड कैमरा के स्कैम्स में फंस जाते हैं, कैसे होते हैं ये स्कैम्स और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए होता ये है कि जब आप किसी कैमरा शॉप पे जाते हैं, देखिए मैंने भी एक दो वीडियोस बनाए सेकेंड हैंड कैमरा शॉप पे जाके और मैंने हमेशा यही कहा है कि जब भी आप किसी भी सेकेंड हैंड कैमरा शॉप पे जाएं तो बिल्कुल भी जो वो कह रहा है उसके ऊपर अंधविश्वास ना करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, उसको अच्छे से चेक करें। बट पहले समझते हैं स्कैम होता कैसे है। देखिए स्कैम ज़्यादातर दो ही तरीके से होता है सेकेंड हैंड कैमरास का। नंबर वन इज़ द प्राइस। अब कोई ऐसी चीज़ यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कैनन R6 कैमरा है जो कि अभी 1.5-2 साल पहले रिलीज़ हुआ है, कोई शॉप वाला उसे बेच रहा है मात्र 20,000 या 30,000 रुपये के अंदर, तो आप इसी से समझिए कि वो एक स्कैम है क्योंकि एक कैमरा जो कि ऑलमोस्ट नया कैमरा है और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने 1.5-2 साल यूज़ कर लिया है, तो क्यों कोई आदमी जो है उसे इतने कम पैसे में बेचेगा। तो सबसे पहले तो घंटी वही बज जानी चाहिए जब प्राइस उसकी बहुत कम बताई जाती है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने अपने कैमरा को 2 साल यूज़ किया और मेरा कैमरा वाकई में अच्छा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो मैं इतने कम प्राइस में नहीं बेचूंगा। मान लीजिए मैंने कैमरा ख़रीदा 2 लाख में, 2 साल मैंने यूज़ भी किया तो उस कैमरा को मैं कोशिश करूँगा लगभग 1 लाख से लेके 80-85 हज़ार में सेल करने की, बिकॉज कैमरा इज़ फैंटास्टिक, इट्स वर्किंग परफेक्टली और मॉडल भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी उसी कैमरा को बेच रहा है 20-25-30-35 हज़ार रुपये में, तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ स्कैम है, या तो वो कैमरा की कहीं तो कुछ डैमेज हुआ है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ उसके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चोरी का भी हो सकता है जो कि आपसे छिपाई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हम कोई भी सेकेंड हैंड कैमरा लें तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी प्राइस बता रहा है आप जल्दी से उस पर यकीन ना करें। नंबर टू कि भाई वो उसकी हिस्ट्री क्या है उस कैमरा की, क्या वो जो आपको कैमरा बेच रहा है क्या वो बिल दिखा रहा है कि वो कैमरा उसके पास कहाँ से आया, किसने उसे बेचा, या कोई ओनर कैमरा का बेच रहा है तो क्या उसके पास में उसका बिल है, रिसीट है, कौन सी तारीख को उसने ख़रीदा, किस जगह से ख़रीदा, उसका सीरियल नंबर वहाँ पर छपा हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों आपको चेक करनी चाहिए जब भी आप सेकेंड हैंड कैमरा लें। ये तो बात हो गई दोस्तों कि बिल का हो गया, क्या उसकी हिस्ट्री है, सब तो जानना ज़रूरी है ही। मेरा मानना ऐसा है कि आप हमेशा नया कैमरा लीजिए 99.9%, लेकिन अगर पैसे का इशू है, बजट कम है, नहीं खरीद सकते नया कैमरा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिए सेकेंड हैंड कैमरा या सेकेंड हैंड लेंस को ख़रीदने से पहले। अब जो लोग भैया स्कैम करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कैमरा को बहुत अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर देते हैं या लेंस को बहुत अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर देते हैं, एक अच्छे से पैक के अंदर जो है उसे रख देते हैं और उसके बाद जो है आपसे कहते हैं कि भैया ये जो है बहुत ही हार्डली यूज्ड कैमरा है, इसे ले लीजिए अभी टाइम नहीं है, और उनकी दुकानों के अंदर ना 10-15 लोग या 5-6 लोग ऑलरेडी भीड़ लगा के खड़े होते हैं,
ताकि आपका वो जितना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उतना करेंगे, बोलेंगे भैया पैसे दो, हम इतना वारंटी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढिमका दे रहे हैं, और आपको कैमरा हाथ में पकड़ा देते हैं। आप चेक ही नहीं कर पाते उसे, और आप इस भरोसे पे ले आते हैं कि भाई दुकान में तो आदमी बैठा ही है, अच्छा ही कैमरा होगा, कहाँ भाग के जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। या ऑनलाइन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐप पर गए या किसी वेबसाइट पर गए, वहाँ पर जो है वो अपने आप को ओनर बताता है कि मैं इस कैमरे का ओनर हूँ, हो सकता है वो चोरी का माल बेच रहा हो और आपसे कहता है कि भाई आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो। इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। लेकिन जब आप एक सेकेंड हैंड कैमरा के डील में फंस रहे हैं दोस्तों, या जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ना दोस्तों, आप जैसा मैंने बताया किसी पे आपको अंधविश्वास नहीं करना है। सबसे पहले चीज़ जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कैमरा या कोई भी लेंस आप कभी भी ऑनलाइन या ऑर्डर करके मत मंगाएं, चाहे उसमें वो कह रहा हो कि डिलीवरी के बाद आप पेमेंट दे दीजिए। क्योंकि आप रहते किसी और शहर में, कैमरा मंगा रहे हैं आप किसी और शहर से, तो आप ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? अगर आप सेकेंड हैंड कैमरा खरीद ही रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भैया आप पर्सनली उस दुकान में जाएं जो आदमी कैमरा सेल कर रहा है, या पर्सनली जो एक कोई फोटोग्राफर भी है, कोई ओनर भी उस कैमरा का, पर्सनली उससे मिलें। आप उस कैमरा को अपने हाथों से पहले चेक करें। और चेक क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मान लीजिए सेकेंड हैंड कैमरा है, इसके ऊपर आप कोई भी एक नया लेंस लगाएं, सबसे पहले आपको चेक करना है उसका ऑटो फोकस, क्या उसका ऑटो फोकस ठीक से काम कर रहा है नहीं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ऑटो फोकस ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। अगर वो आपको गलत चीज़ बेच रहा है तो कई बार ऑटो फोकस में प्रॉब्लम है। अगर ऑटो फोकस में प्रॉब्लम है तो आपका रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर ऑटो फोकस ठीक से काम कर रहा है कोई बात नहीं, पहला टिक मार्क आपने यस में लगा दिया कि भैया ये तो चीज़ ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है शटर काउंट, यानी कि वो कैमरा कितना चला हुआ है। अब कैमरा कितना चला हुआ है, देखिए बहुत सारा इस पर डिबेट होती है कि शटर काउंट अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कोई एक हाई एंड कैमरा है तो उसका शटर काउंट 2 से 3 लाख की उसकी साइकिल्स रहती है। अब मान लीजिए उसका शटर काउंट है 1.5 लाख, ठीक है, और थोड़ा सस्ते में बेच रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 50,000 शटर काउंट होने के बाद में वो कैमरा बंद हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर अच्छे से मेंटेन किया है तो शटर काउंट ओवर होने के बाद भी कैमरा 1.5-2-3 साल आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन शटर काउंट आपको पता चल जाता है, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता हो जाता है कि इस कैमरा को कितना यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, मान लीजिए 1.5 लाख के आसपास उसका शटर काउंट है या 1 लाख के ऊपर शटर काउंट है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, होता ही है कि इट मीन्स कि उसके अंदर डेंट के, स्क्रैचेस के भी इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ कैमरा है, तो हो सकता है कहीं डेंट हो, स्क्रैचेस हो। या कई बार जो है डेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर ही देखिए कैमरा हम जहाँ लेंस लगाते हैं ना, यहाँ पर डेंट होता है, दबाव वो जगह दब जाती है, तो वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग तो नहीं करा रखी। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें वो चेक करने की ज़रूरत होती है। सो शटर काउंट हमेशा आप चेक करिए, ज़्यादा शटर काउंट मतलब आप नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उसकी बॉडी को भी चेक करना है, अच्छे से बॉडी को थोरली चेक करिए। जैसा मैंने बताया स्क्रैचेस के लिए या कहीं भी कोई इस तरह का डैमेज तो नहीं है। कई बार कैमरा के हाथ से छूट के नीचे गिरा हुआ है तो डेंट जो है थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाएं कैमरा का, तो हमेशा डे लाइट में करिए, कभी भी रात के टाइम, शाम के टाइम या शॉप के अंदर खड़े होकर नहीं करना है। आप शॉप में खड़े होते हैं, वहाँ 50 लाइटें जल रही होती हैं, आपको दिखाई ही नहीं देता। आप सन, जैसे मैं भी खड़ा हूँ, आप सनलाइट में आइए, फिर कैमरा को आप खोलिए, देखिए अच्छे से, परखिए। नेक्स्ट स्टेप है उसका, आपको सेंसर को चेक करना है। अब सेंसर में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, या सेंसर कोई बहुत गंदा तो नहीं है। ये भी इशू होता है कई बार कि सेंसर अगर बहुत गंदा है तो आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी जो है हेजी आती है, क्लैरिटी नहीं आती, आपने भले कितना भी अच्छा लेंस लगा रखा हो, ठीक है। वो दुकान वाला को तो बेचना है, वो तो आपको कैसे भी कन्विंस कर देगा, कहेगा भैया सेंसर का तो प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए सेंसर तो क्लीन हो जाता है, 1,000-2,000 रुपये के अंदर कहीं पर भी आप सेंसर क्लीन करा सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, अगर एक बार सेंसर ख़राब है या उसमें कोई भी इशू है तो वो इशू है, तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब सेंसर को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, देखिए जैसे मैं अभी बाहर हूँ, ऐसे ही बाहर खड़े होकर आपको एक आसमान का पिक्चर लेना है, देखिए ऐसे ब्लैंक, और जब आप खाली ब्लू स्काई का पिक्चर लेंगे तो अगर कैमरा में डस्ट होगी तो जब आप फोटो को देखेंगे बड़ा करके कंप्यूटर पे, तो वहाँ पर आपको सारे डॉट्स दिखाई देंगे अगर सेंसर गंदा होगा तो। या आप किसी भी वाइट वॉल के अगेंस्ट जाइए, f20 f22 पे अपर्चर रखिए और एक प्योर वाइट वॉल का पिक्चर लेके देखिए, अगर सेंसर ख़राब होगा, प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर आपको वो सारा फोटो के अंदर नज़र आ जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि भाई इस कैमरा का सेंसर ठीक है या नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, आप पीछे का जो LCD स्क्रीन है, ये देखिए कवर इस तरह से आप निकाल के आप इस LCD स्क्रीन को चेक करिए कि कहीं ये रिपेयर तो नहीं हुआ या इसमें कुछ इश्यू तो नहीं है, क्या ये कलर जो हैं
वो ठीक से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। पिक्चर खींचिए, देखिए पीछे कलर जो है ठीक से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ आर्टिफिशियल कलर्स तो नहीं है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए सेकेंड हैंड कैमरा लेने के पहले। और फिर आप जो है इसका लाइव व्यू ऑप्शन ऑन करिए, फेस डिटेक्ट को ऑन करिए, वहाँ पर देखिए कि वीडियो जो है वो ठीक से वहाँ पर ऑटो फोकसिंग ले रहा है कि नहीं रहा है, लाइव व्यू ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो मैंने 5-6 स्टेप्स बताए ना दोस्तों, ये आप पर्सनली खुद अपने हाथों से चेक करिए। अब होता ही है कि हम जो है ना ट्रैप कैसे होते हैं कि प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अगर वो 32,000-33,000 में आपको एक 2.5 लाख रुपए का कैमरा दे रहा है तो हमारा दिमाग जो है ना वो प्राइस उनके ख़राब हो जाता है और हम ये सारी चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं, उस कैमरा को ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं बगैर देखे और ये सोचते हैं कि यार ठीक है आई एम लकी, मुझे एक अच्छा कैमरा इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है ना चीज़ें, यही चीज़ें जो है आपको फंसाती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और जैसा मैंने कहा, कोशिश हमेशा ये करिए कि आप हमेशा नया कैमरा लें, ज़्यादा बेटर है। बट सेकेंड हैंड कैमरा लेना भी कई फोटोग्राफर्स के लिए, कई वीडियोग्राफर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि सेकेंड हैंड कैमरा लेने में आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक हाई एंड कैमरा आपको लगभग 50% या 60% प्राइस के अंदर मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है दोस्तों वो आपको एक, मतलब आप एक नया कैमरा लेते, एक एमेच्योर लेवल का आप कैमरा लेते, सेमी प्रोफेशनल कैमरा लेते, जितने पैसे में उतने ही पैसे में आपको अच्छी सेकेंड हैंड डील मिल जाती है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए कि अगर कोई अपना हाई एंड कैमरा बेच रहा है तो इतने सस्ते में वो नहीं बेचेगा किसी भी कीमत के ऊपर। दूसरी चीज़ मैं आपको हमेशा बोलूँगा, कोशिश करिए कि आप फोटोग्राफर से ही खरीदिए, क्योंकि जो फोटोग्राफर यूज़ कर रहा है ना वो बेच रहा है, उसको उसकी पूरी हिस्ट्री पता होती है। तो अगर फोटोग्राफर अच्छा होगा तो ईमानदारी से आपको बताएगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में अब तक आ चुकी हैं। आप सुनिए, अगर वो आपको लगता है उसकी बातों में दम है, थोड़ा कन्विंस हो सकते हैं, बट जो पॉइंट्स मैंने बताया उन्हें चेक ज़रूर करिए। उसके बगैर आप कोई भी कैमरा मत लीजिए। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मंगाना है, किसी दोस्त ने कहा है, किसी मित्र के मित्र ने बेचा है कैमरा, बिल्कुल नहीं सुनना है। जो भी कैमरा लेंस आपको ख़रीदना है उसे हाथ में पकड़िए, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उन्हें टेस्ट करिए, उसके बाद ही जो है आप ऑर्डर करिए। इस तरह से आप किसी भी सेकेंड हैंड कैमरा के स्कैम से बच सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, और कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।